इंसान हो या जानवर, परिवार सबको पसंद है और सभी हर रोज संघर्ष करते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे भारत के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रह रही एक बाघिन कर रही है, जिसकी कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज डिनेस्टी के एपिसोड टाइगर की डिटेल्ड समरी है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। बांधवगढ़ नेशनल पार्क घर है कई तरह के जानवरों का, जो भारत के वाइल्ड लाइफ को एक अलग ऊंचाई तक ले जाते हैं। सभी जानवर परिवार की शुरुआत करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर जो भी हो सभी चुनौतियों का सामना करके यह जीव खुद के अस्तित्व को बचाए रखे हैं। इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा में राज भैरा नाम की एक टाइग्रेस ने 4 शावकों को जन्म दिया है। उसकी बेटी बीबा अपने लड़खड़ाते कदमों से पहली बार चल रही है, जबकि उसके 3 भाई अपने माँ के पास हलचल कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से राजभेरा इस गुफा में छुपी हुई है और अपने बच्चों को पाल रही है। बांधवगढ़ में वह सब कुछ है जिसकी जरूरत राजभेरा और उसके परिवार को है। यह एक माहिर शिकारी है और शिकार पर निकली है, लेकिन इसके शिकार बहुत चालाक हैं और इतनी जल्दी हाथ आने वाले नहीं है। राजभेरा शिकार की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम हो जाती है, पर जो भी हो उसे जल्दी घर लौटना होगा, क्योंकि बच्चों के सेफ्टी का सवाल है और रात के शिकारी जानवर एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, जैसे ये स्लॉथ बियर। राजभेरा को यह बात पता चल चुका है कि दूसरे शिकारी जानवर इसके गुफा का ठिकाना जान चुके हैं, इसीलिए वह बच्चों को दूसरे गुफा ले आती है। एक अनुभवी बाघिन होने की वजह से ऐसे कई ठिकानों के बारे में वह जानती है। भले ही वह शिकार में नाकाम हुई हो, लेकिन बच्चों को दूध पिलाना ही पड़ेगा और एक अकेली माँ के लिए 4 बच्चों को पालना काफी चुनौती भरा काम है, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 80 से ज्यादा टाइगर्स रहते हैं। ऐसे में टेरिटरी के लिए लड़ाई आम बात है और चेहरे पर लगे यह निशान इनकी आपसी टकराव की गवाही दे रहे हैं। बच्चों को गुफा में छोड़कर राजभेरा अपने 20 किलोमीटर बड़े इलाके की पेट्रोलिंग पर निकली है और उसकी निशानदेही कर रही है। भरी दोपहरी में सेंट मार्किंग करना एक कठिन काम है, इसीलिए खुद को ठंडा करने के लिए वह पानी में आराम करने लगती है। तभी उसकी आंख पिकॉक की मेटिंग कॉल से खुलती है। वह बहुत ही तेजी से घात लगाकर अचानक उस मोर पर हमला करती है, लेकिन चूक जाती है। आज फिर राजभेरा बिना शिकार के घर लौट आती है। उसे हर दिन इलाके की गश्त लगानी होती है और शिकार की कोशिश भी करनी पड़ती है, साथ ही बच्चों की परवरिश भी। अब इसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि आसपास के इलाके का मुआयना कर सके। इसकी बेटी बीबा अपने भाइयों के मुकाबले कमजोर है। बच्चे अब 2 महीने के हो चुके हैं और अपनी माँ के पीछे पीछे चल सकते हैं। राजभेरा बच्चों को अपने इलाके से इंट्रोड्यूस करा रही है। जल्द ही वे अपनी माँ के साथ शिकार पर दावत उड़ाने लगते हैं। ये बच्चे आज पहली बार मांस का स्वाद चख रहे हैं। बच्चों की परवरिश की वजह से राजभेरा को इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि अपने इलाके की हर रोज गश्त लगा सके। ऐसे में एक बाघिन उसके इलाके में आ पहुंचती है। यह है राजभेरा की वयस्क बेटी सोलो, जो अपने माँ के इलाके में आ गई है, लेकिन माँ को गुस्से में आते देख वह आत्मसमर्पित कर देती है। यह इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इलाके के लिए किसी को चुनौती दे सके। जल्द ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सर्दी का मौसम आ जाता है। बच्चे अब 9 महीने के हो चुके हैं और जंगल के दूसरे जानवर इन्हें सीरियसली लेने लगे हैं। राजभेरा का बेटा एक जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी यह इतना बड़ा नहीं है कि वह शिकार कर सके। बहरहाल वह अपने भाई बहन के साथ ही माँ के किए गए शिकार में हिस्सा लेने आ जाता है, पर राजभेरा पहले अपना पेट भरना चाहती है और इनसे शिकार साझा करने से कतरा रही है, क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं, इसीलिए परिवार में रिश्ते भी बदल रहे हैं। माँ के खाने के बाद तीनों भाई अपने पेट भरते हैं और सबसे अंत में बीबा को मौका मिलता है। अपनी भूख मिटाने के बाद पूरा परिवार चैन की नींद ले रहा है,
तभी वहां एक वयस्क नर आ पहुंचता है। यह राज भेड़ा से ज्यादा ताकतवर और बड़ा है और इसने बच्चों के फेवरेट वाटर होल पर कब्जा जमा लिया है। इधर पूरा परिवार सो रहा है, लेकिन बीबा आसपास का गश्त लगाने के लिए निकल पड़ती है। यह नर उसे मार सकता है, लेकिन यह उसका पिता है। नरबाघ अपने बच्चों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और यह भी नहीं दिखा रहा है। इलाके की गश्त लगाने से दूसरे नर यहाँ नहीं आते हैं, जिससे बच्चे महफूज रहते हैं। बाकी दूसरी जरूरतों के लिए यह बच्चे अपनी माँ पर निर्भर है। वक्त के साथ बांधवगढ़ नेशनल पार्क सूखे की चपेट में आ गया है। सिर्फ राजभेड़ा का इलाका ही है जहाँ पानी बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ दूसरे बाघ घुसपैठ करने लगे हैं और कंपटीशन बढ़ने लगा है। इधर राजभेड़ा की बेटी सोलो पहली बार मिलन कर रही है। जल्द ही वह भी माँ बन जाएगी और ठीक अपने माँ की तरह अपने बच्चों को पालेगी। फिलहाल यह अपने माँ के इलाके में लौट आई है और किसी दूसरे के किए गए शिकार को चुरा रही है, जबकि बच्चे शिकार करने की हुनर में महारत हासिल कर रहे हैं। वे आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हंटिंग स्किल्स को डेवलप कर सके, लेकिन अभी भी यह अपने माँ पर निर्भर है, इसलिए राजभेड़ा एक बड़े से शिकार को लेकर लौट रही है। इससे इसके परिवार का गुजारा कई दिनों तक हो जाएगा। शिकार के आते ही भाई सबसे पहले अपना हक लेने पहुंच जाते हैं। बेचारी बीबा आखिर तक इंतजार करती है, लेकिन आज वह इंतजार नहीं करेगी, वह खुद शिकार पर निकलती है। वह ठीक वैसे ही करती है जैसे उसकी माँ शिकार के दौरान करती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए कई बार देखा है। उसने खुद को छुपाने में महारत हासिल कर लिया है, लेकिन इतने बड़े शिकार के लिए ना ही उसके पास ताकत है और ना ही साइज। सूखे के बाद बारिश ने पूरे बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हरा भरा कर दिया है, पर इससे राजभेड़ा के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब घात लगाना आसान नहीं रहा। कुछ हफ्ते बाद बांधवगढ़ के पश्चिमी सीमा के नजदीक राजभेड़ा की लड़ाई किसी से हुई है, जिससे यह जख्मी हो गई है। और एक माँ के जख्मी होने का मतलब है बच्चों के भूख से मारा जाना। पर माँ की गैर मौजूदगी में बीबा अपने भाइयों से दूर खुद का इलाका बनाने की सोच रही है, लेकिन यहाँ तो सभी इलाके पहले से ही दूसरों की कब्जे में है, इसीलिए वह बांधवगढ़ से दूर निकल जाती है। इसकी माँ अब उसे कभी नहीं देख पाएगी। भूखे नर बच्चे अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नौसिखिए बच्चे इन चौकन्ने हिरण को नहीं पकड़ सकते हैं। इधर राजभेड़ा आसान शिकार की चाहत में बांधवगढ़ से दूर इंसानी इलाकों में आ गई है। यहाँ इंसानी इलाकों में काफी मवेशी है, जिसका शिकार करके वह खुद को ठीक करना चाहती है और पहले जैसा तंदुरुस्त बनाना चाहती है, क्योंकि वह जख्म से कमजोर हो गई है। लेकिन यहाँ भी काम नहीं बनता है। फॉरेस्ट रेंजर्स उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आते हैं, जहाँ अगली सुबह वह अपने परिवार से मिलती है। पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष के बाद उसने अपने वंश को सुरक्षित कर ही लिया अपने बच्चों को बड़ा करके। आज उसके बच्चे बांधवगढ़ में राज कर रहे हैं और यह है उसकी डिनेस्टी। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो और कमेंट में यह बताइए कि क्या मैं डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन करूं या फिर लायन कॉलेशन या दूसरे एनिमल्स पर इंफॉर्मेशन डालूं। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।